जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आजाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी में आने वाले सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है जंग लगने पर लोहे का भार, जंग जब लग जाता है तो लोहे के भार पे क्या असर पड़ता है? वो बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है? तो हमारे यहाँ पे क्या होता है आंसर, सही आंसर होगा बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न से पूछा गया, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, चोरी चोरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न से पूछा गया, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? तो कौन सी तरंगे होती हैं? सतही तरंगे जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्क हवा सांटा आना कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है? ये कैलिफोर्निया में बहती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के खर्चे नियंत्रित करे जाते हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के? 213। और अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो अनुच्छेद 123 होगा। अगर क्या हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? तो हमारा क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। और इनमें से कौन सा नहीं है? नगर परिषद नहीं होगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सी है? हीलियम है। अगला प्रश्न हमारा है, अमन ओस तथा बोरो निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ये किस फसल की किस्में हैं? तो धान की फसल की किस्में हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, एक हॉर्स पावर बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पटाना घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका देश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप समूह की दीवारों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई? तो किस प्रकार हुई? प्रवाल से बनी है। क्या कहते हैं, हमारा लक्षद्वीप जो है प्रवाल से बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, जवाहर ताप्ती निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? कपास की प्रजाति है। अगला प्रश्न हमारा है, ओब नदी गिरती है तो किस सागर में गिरती है? काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न हमारा है, बायोप्सी निम्न में से किससे संबंधित है? तो बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए उत्कों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी का संबंध है। अगला प्रश्न से पूछा गया, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? प्लीहा जो होता है हमारा स्प्लीन, वह प्रभावित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में स्थित है। अगला प्रश्न से पूछा गया, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, पारितंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? जैविक एवं अजैविक कारकों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, छड़ी मुबारक का संबंध किस धार्मिक यात्रा से है? तो किस धार्मिक यात्रा से है? अमरनाथ यात्रा से है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर का रुधिर बैंक कहलाते हैं? तो कौन कहलाता है? तो प्लीहा जो स्प्लीन होता है, मानव शरीर का रुधिर बैंक कहलाता है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल होते हैं वो बनते हैं।
अगला प्रश्न से पूछा गया, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार विजेता पहला भारतीय कौन है? तो कौन है? मदर टेरेसा है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? करंट का तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, घंटा मर्दाला लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न हमसे, निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास द्वारा नहीं की गई? इनमें से कौन सा नाटक है जो क्या कहते हैं कालिदास द्वारा नहीं किया गया? तो कौन सा है? सौ प्रवास वंदतम, उनकी ये उनकी रचना नहीं है। तो कौन कौन सी है? मालविका अग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये क्या कहते हैं कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारत में हिजरी संवत मुस्लिम संवत कौन शासक ने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? कौन से शासक था? शाहजहां ने लागू किया था। अगला प्रश्न हमारा है, राजयोग कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो क्या नाम है? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारा है, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के शेक्सपियर के उपनाम से विख्यात महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों के नंदी पाठ से उनके किस धर्म से संबंधित होने का प्रमाण मिलता है? तो किस धर्म का प्रमाण मिलता है? सेव धर्म का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, अततारवाद का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से मिलता है? भागवत पुराण से मिलता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुड़हल का क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न हमारा है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो किस का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का यह प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, केंचुए का उत्सर्जी अंग है? तो केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट दो बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है? संतोष यादव हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो किस श्रेणी में होता है? 6.5 पीएच से लेकर 8.5 पीएच तक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है या वास्तव में क्या है? तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न हमारा है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है, ना तो ये पूरी तरह से मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है, ये क्या कहते हैं? मेटलॉइड है। अगला प्रश्न हमारा है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है पूरी। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।